हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी आलू के इंस्टेंट चिप्स। आधा किलो कच्चे आलू लिए हैं मैंने। आलू को साफ़ पानी से धो के छील के पानी में डिप करके रख दिया था। पानी में डिप करने से आलू काले नहीं पड़ेंगे। आलूओं के ऊपर लगे पानी को सूती कपड़े से साफ़ कर लेंगे। ऐसा करने से जब हम आलू के चिप्स गर्म तेल में फ्राई करेंगे, गर्म तेल के छींटे हमारे ऊपर नहीं आएंगे। अगर आप पानी लगे हुए आलू के स्लाइस गरम तेल में डालेंगे, गरम तेल के छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। चिप्स तोड़ने वाली मशीन ले लेंगे। ध्यान से आलू को स्लाइस करेंगे। इसका ब्लेड काफ़ी शार्प होता है, हाथ में ना लगे हाथ को बचाते हुए आलू को स्लाइस कर लेंगे। दूसरा आलू भी ले लिया है मैंने, इसको भी स्लाइस कर लेंगे। दो आलू स्लाइस कर लिए हैं मैंने। बचे हुए आलू पानी में डीप रहने देंगे। चिप्स फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम गर्म करेंगे। एक आलू का स्लाइस तेल में डाल के देखेंगे। तेल में अच्छे बबल्स आने लगे हैं। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है चिप्स फ्राई करने के लिए। आलू के स्लाइस गर्म तेल में डालेंगे। ध्यान से डालेंगे, तेल गर्म है। पलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। गैस फ्लेम इस टाइम फुल है। आप गैस फ्लेम ज़रूरत अनुसार भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, गैस फ्लेम कम कर दीजिए। अगर आपको लगता है तेल ठंडा हो गया है, कम गर्म है, आप गैस फ्लेम ज़्यादा कर सकते हैं। पलटते पलटते हुए चिप्स को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। चिप्स को मैंने एक मिनट के लिए फुल फ्लेम पे फ्राई किया है। अभी मैंने गैस फ्लेम मीडियम कर दी है। लगातार अलटते पलटते हुए चिप्स को फ्राई करेंगे। एक बैच फ्राई हो गया है, चिप्स क्रिस्पी हो गए हैं। निकाल लेंगे। बाकी के आलू भी सूती कपड़े से सुखा के स्लाइस करके इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सभी चिप्स फ्राई कर लिए हैं मैंने। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। इस बर्तन के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और बर्तन को इस तरह से हिला देंगे। चिप्स में अच्छे से नमक लग जाएगा। चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। एक चिप्स तोड़ के दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। आप चाहें तो चिप्स में पिसी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।